हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ मूलभूत सिद्धांत में, ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। पहले दो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थों का आपस में किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं जिसके कारण से उनकी अवस्था परिवर्तन होते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पे छोटी मोटी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, जो जस्ट अभी तो नहीं लेकिन आगे हर जगह आपको फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री में हर जगह काम आने वाली हैं। हालांकि ये चीज़ें आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो लेकिन केमिस्ट्री में भी ये है, तो एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया जा रहा है। देखिए, है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। दोस्तों, बहुत सारी प्रणालियां हैं, SI है, CGS है, MKS पद्धति है, इन सबका डिटेल वैसे तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे ही, पर यहाँ पर ये सारे SI मात्रक दिए जा रहे हैं और ये मूल मात्रक वो मूल भौतिक राशियां हैं जो किसी से व्युत्पन्न नहीं की गई हैं, प्राप्त नहीं की गई हैं। तो दोस्तों, हमारे पास 7 मूल राशियाँ होती हैं, 7 ही मूल मात्रक होते हैं। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से मैं इसको आपको ख़त्म करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, लंबाई, लंबाई का जो राशि का प्रतीक है वो L है, जो राशि का प्रतीक है वो L है, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम लेंथ है, क्योंकि इंग्लिश नाम ही ज़्यादा प्रचलित है। ब्रिटिशर्स का बहुत सारे देशों पर राज किए उन लोगों ने, जिसके कारण से अपनी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत जगहों पर किया गया, जिसके कारण से हालांकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भाषा इंग्लिश नहीं बोली जाती है, फिर भी इंग्लिश को ऐसा माना जाता है कि ये एक ज़्यादा प्रचलित लैंग्वेज है, और जो रिसर्च या खोज हुई हैं वो भी उसी देश या उसी का प्रतिनिधित्व रहा है, इसीलिए जो लेंथ है, मैंने कहा इंग्लिश में जो नाम दिया गया इसके आधार पे इसका प्रतीक बना दिया गया L, और अगर हिंदी का चलता बस तो बनता ल, क्या बनता ल। बहरहाल, लंबाई का राशि का प्रतीक क्या हो गया? L हो गया, है ना? जैसे हमारे यहाँ जो है सत्य प्रकाश त्रिपाठी, इतना लंबा नाम कोई नहीं लेना चाहता है तो क्या करता है, इसको SP कह के बुलाता है, SP यहाँ आवा, कहाँ जात है, ऐसे ही। तो लंबाई का प्रतीक हो गया L। इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है दोस्तों? मीटर। और इसका प्रतीक है क्या? M। इसका मात्रक होता है मीटर और इसका प्रतीक क्या है? M है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, है ना? द्रव्यमान 1 किलो आम, 2 किलो आम, 5 किलो आम, है ना? उसका जो राशि का प्रतीक है वो क्या है? M है। और इसका जो मात्रक है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम। और इसको अपन KG से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? KG से प्रदर्शित करते हैं। अगला है टाइम, समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, है 1 सेकेंड पहले आए होते हैं तो ट्रेन मिली हो फ्लाइट ना, कैसे किसी ने कहा है कि समय की वैल्यू, 1 साल की वैल्यू वो जानेगा जो स्टूडेंट परीक्षा में फेल हो गया, है ना? 1 घंटे का वैल्यू वो जानेगा जो किसी का इंतज़ार कर रहा होगा, 1 मिनट की वैल्यू वो जानेगा जिसकी अभी अभी ट्रेन निकल गई होगी, और 1 सेकेंड की वैल्यू वो जानेगा जिसके बगल से सब गाड़ी गुजर गई और उसने मुंडी ऐसी कर ली और मुझसे निकला हाय हाय बप्पा, अगर ज़रा से उधर हुआ होता तो काम तमाम हो गया होता, है ना? कभी कभी आप जा रहे हो और बड़ी स्पीड से आप साइकिल लेके जा रहे हो, हल्का सा आप लड़खड़ा गए और इधर से बहुत स्पीड से गाड़ी निकल गई, और उसी वक्त उसी सेकंड आपने क्या किया, अपने साइकिल को हल्का से इधर किया था, नहीं तो आप चोट लग जाता, तो आपको लगेगा कि अगर ज़रा सा भी इधर उधर हुआ होता तो सेकेंड भर में हमारा काम हो जाता। तो टाइम का जो मात्रक है वो क्या है? टाइम जो है उसका प्रतीक क्या है? T। और इसको सेकेंड से आधा मात्रक मतलब मापते हैं सेकंड में, तो ये आपका आधारी मात्रक क्या हो गया? सेकंड। और इसका प्रतीक S। इसी तरीके से दोस्तों और भी हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा का
जो प्रतीक है विद्युत धारा का, जो प्रतीक आपको देखने को मिलता है वो आई है, और उसके बाद इसका जो मात्रक है वो एम्पियर, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर ताप हमारा जो है क्या है, टेम्परेचर, या आपका जो है इसका जो राशि का प्रतीक है वो टी, इसका मात्रक केल्विन के। फिर ज्योति तीव्रता आई, इसका जो मात्रक है कैंडिला, हम इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, और ये आप जो मात्रक है वो मोल, और इसको हम लोग एम ओ एल से इस मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, या तो अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन इसको कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ये मूल राशि तथा मूल मात्रक है, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं आगे काम करते हैं, तो इसको मिटाते हैं, कुछ छोटी मोटी और आपको जानकारियाँ यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने पूर्व लग्न संकेत और गुणक लिखा हुआ है, तो कभी कभी हम लोग मिली सेंटी डेसी यहाँ पर कन्वर्जन करना पड़ता है, है ना, चाहे ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में, मिलीमीटर में दिया है तो लीटर में, इस तरीके से कन्वर्जन करने पड़ते हैं। तो उस कन्वर्जन के लिए ये चार्ट अपने को याद होना चाहिए। अब आप इसी क्रम में इसको याद करने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिएगा मैंने यहाँ पर बड़ी राशियों मतलब बड़े मात्रकों का ये पूर्व लग्न संकेत है, ये छोटे मात्रकों का पूर्व लग्न और संकेत है, दोनों को एक साथ याद करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, आपके लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो ये डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पैरा एक्सा, इसको एक रिदम बना लीजिए कि डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पैरा एक्सा, याद हो जाएगा। फिर इसका ये संकेत है डी ई एच के एम जी टी पी ई, जब संकेत बहुत याद करने का आवश्यकता नहीं है, बस आप इसका सेंस जानते रहिए ये कितने के गुणक में है, 10 के है, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 12, 15, 18, और यही चीज़ यहाँ पर भी है, 10, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, यहाँ पर भी 12, 15, 18, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, और यहाँ पे आप तेज़ी से पढ़िए डेका हेट्रो किलो मेगा गेगा टेरा पैरा एक्सा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करके इनके गुणक को याद कर लीजिए, इस तरीके से इन चीज़ों को देख के इनके आप गुणक को याद कर लीजिए। तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ये जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चन सवाल आएंगे, वहाँ पर इन चीज़ों का क्या होगा, प्रयोग होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और छोटी मोटी चीज़ों पर आपसे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन हम लोग करते हैं, है ना। आपको हालांकि कन्वर्जन करना तो पता भी होगा कि मैं कहूँ कि मिलीग्राम को सेंटीग्राम में इस तरीके से बदलो, तो ये चीज़ें हमको काम आएंगी। जो मैंने आपको मिली सेंटी की बात अभी किया, इसके आधार पर ही आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर ये वाला समझने का कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा कि 1 kg में कितने ग्राम होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जाते हैं चीनी लेने, आप जाते हैं दाल लेने, आलू लेने, तो आपको ग्राम और केजी का रिलेशन तो बखूबी पता होगा, अच्छे से पता होगा। हाँ कुछ बच्चियां हैं, हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन बच्चों को तो पक्का पता होगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये आप जानते ही हैं। तो मैंने कहा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो सवाल तो का जवाब मिल गया, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अब मैं कहूँ 1/2 किलो में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 500 ग्राम होते हैं। फिर हाँ 1/2 किलो में मैंने बोल दिया। अब मैं कहूँ, मैं बात को उल्टा कर दूँ कि 250 ग्राम में कितना केजी, 250 ग्राम में कितना केजी, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है कि 250 ग्राम में आखिर कितना केजी होगा। तो देखिए कभी भी एक बात मेरी एकदम कान खोल के दिमाग खोल के सुन लीजिए, बैठा लीजिए कि जब कभी भी हमको छोटे
से बड़ा में जाना हो, छोटे से बड़ा में जाना हो, तो हमेशा हम देते हैं भाग। ब से बड़ा, भ से भाग, ब से बकरी, भ से भालू नहीं, ब से बड़ा और भ से भाग। मतलब जब भी बड़े में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, और छोटे में आना होगा तो गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आखिर बड़का कौन है, छोटका कौन है, हाँ इतना भी नहीं पता रहेगा तब तो भगवान आपको बचाए, क्योंकि आपको यहाँ पता है कि केजी बड़ा है और ग्राम क्या है, छोटा है, तो इसीलिए केजी में हम लोगों ने 1000 से गुणा कर दिया तो ये क्वांटिटी मिल गई। ठीक है, यहाँ पर भी केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है। यहाँ पर देखिएगा जरा सा, ये ग्राम है और इसको कन्वर्ट करना है केजी में, मतलब हमको छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो भाग देना पड़ेगा। तो 250 से हम में 1000 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 1/4 बराबर 0.25, मेरे ख्याल से तो यही आएगा। ठीक है, तो 0.25 कितना, अब आगे इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, क्या 0.5 क्या केजी, क्योंकि जब मैंने आपको मात्रक पढ़ा दिया तो अब आपको मात्रक के साथ ही किसी भी आंसर को लिखना है, क्योंकि मात्रक छोड़ देंगे, मात्रक विहीन कोई क्वांटिटी लिखेंगे तो सेंसलेस हो जाएगी और आपका उत्तर गलत माना जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 5, अब ये 5 पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है, 5 पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है कि 5 क्या, 5 केजी, 5 सेकेंड, 5 घंटा, 5 किलोमीटर, क्या है ये 5, आखिर ये है क्या 5, कुछ भी तो नहीं पता है। तो 5 अगर मैं लगा दूं सेकेंड, तब ये 5 का पूरा सेंस समझ में आएगा, अच्छा 5 सेकेंड, 5 केजी, 5 ग्राम, अब ये समझ में आ रहा है ना सेंस इसका। तो इसीलिए यहाँ पर मात्रक को किसी भी न्यूमेरिकल में लगाना आवश्यक है। ये तो ग्राम और किसमें कन्वर्जन हो गया, किलोग्राम में। इसी तरीके से दोस्तों मिलीलीटर में, मिलीलीटर से हम लीटर का कन्वर्जन करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको मिलीलीटर का सिंबल बताया वो एम बता दिया, आजकल वो उसको हम लोग ml से प्रदर्शित करते हैं। मिलीलीटर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ml से प्रदर्शित करते हैं। तो मिलीलीटर से दोस्तों ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, है ना। जैसे हम लोग दूध नापते हैं, दूध वाला आता है, तो 1 लीटर है दूध, तो कितना होगा, 1000 मिलीलीटर होगा, क्योंकि मिली का संबंध कितना सा, 10^-3 से। तो उसी तरीके से कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं, पता भी होगा आपको मेरे ख्याल से, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो अगर मैं कहूँ 0.5 लीटर में तो आप कहेंगे कि साहब 500 मिलीलीटर, और उसी तरीके से मैं कह दूँ कि 2000 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा, बोलो 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 बोलो, छोटा बड़ा, मिलीलीटर छोटा है, लीटर बड़ा है, तुरंत क्या करो, इनका संबंध 1000 से है तो क्या करो, इनसे 1000 से कर दो भाग, भाग लगा देंगे क्या मिलेगा, 2 लीटर, आगे लिख दो। इसी तरीके से दोस्तों जो इससे पहले मैंने पूर्व लग्न संकेत और गुणक बताया है ना, मिली सेंटी डेको हेक्ट्रो किलो गीगा, ये वाला वो चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप किसी भी राशि को बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो फिर कुछ आगे की बात करेंगे, हो सकता है आपको वैज्ञानिक संकेत वगैरह सिखाएं और जो छोटी मोटी बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।